बिहार में नगर निकाय चुनाव पर फिर से ग्रहण लग सकता है। वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 नवंबर के आदेश में बड़ा बदलाव कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में जिस इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था, उसे बदलकर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुधार के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि अब सरकार क्या करेगी, ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की देर शाम नगर निकाय चुनाव की नई तारीखों का ऐलान कर दिया था। अभी 18 और 28 दिसंबर को वोटिंग की डेट तय की गई थी। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव कराने का फैसला किया था, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए नए आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव पर एक बार फिर से ग्रहण लग सकता है। चूंकि गुरुवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन शुक्रवार को इस पर राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है। इस चुनाव पर राजनीति भी खूब हो रही है। 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर आया था तो सुशील मोदी ने इस पर सवाल भी उठाए थे, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर तंज भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुशील मोदी जी, आप छपास रोग से बुरी तरह से ग्रसित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी नहीं पढ़ते हैं, आदेश का कंडिका 4 पढ़ लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अति पिछड़े वर्ग के आयोग के गठन पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समर्पित आयोग के गठन पर रोक लगाई है। अब सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश आने के बाद ललन सिंह पर तंज कसा है। सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ललन सिंह, छपास की बीमारी किसे है, पैरा 4 को गौर से देखिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, न कि कुछ और। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर के आदेश में सुधार कर लिया है, अब सरकार क्या करेगी, ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा। बीजेपी के दूसरे नेता भी अपनी जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।